नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से मेरे चैनल पे हार्दिक स्वागत है। जो मेरे दोस्त एस्ट्रोलॉजी में रुचि रखते हैं, यदि मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबाना ना भूलें, क्योंकि कोई भी वीडियो एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड मैं अपलोड करूं यूट्यूब पे, वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक शुरू करते हैं। काफी मेरे दोस्तों के, मित्रों के मुझे व्हाट्सएप पे और फेसबुक मैसेंजर पे मैसेज आए कि जी बांग्लादेश में प्रीमियर लीग चल रही है, उसके ऊपर जो भी मैच हो रहे हैं कुछ ना कुछ आप वीडियो बनाए। तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि दोस्तों, जो भी मैं एनालिसिस करता हूं, मैं सिर्फ एक मेरी प्रैक्टिस है, मैं ज्योतिषीय गणना के हिसाब से अपना एनालिसिस करता हूं, कौन सी टीम जीतेगी या हारेगी या कौन टीम टॉस जीतेगी या स्कोर का। ऐसा नहीं है कि मैं हर बार सही हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, क्योंकि मेरी भी कोई ग्रह दशा गोचर उस टाइम जब मैं एनालिसिस करने बैठता हूं मैं भी खराब हो। सो प्लीज आप जो भी मैं एनालिसिस करूं उसे आप एक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ही उसे आप सीखने की कोशिश कीजिए। सो आज का जो मैच है वो 4:50 पे होगा, कुंटा टाइटंस एंड राजशाही किंग्स के बीच में। हरारी जो रैंडम नंबर है वो 71 लिए, आज ही के दिन प्रेडिक्ट किया दोपहर को 2:32:29 पे। जजमेंट का प्लेस लुधियाना, पंजाब। जैसे कि सभी जानते हैं कि जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं किसी चार्ट का, तो सबसे पहले हम मून को देखते हैं कि वो उन हाउसेस से रिलेटेड है या नहीं। तो मून इस चार्ट पे अनटेनेंटेड है, 1st, 2nd, 7th हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना और मून जो है 7th हाउस में ही बैठा हुआ है, ऑपोजिट पार्टी, सामने वाली टीम, लगन का वो लॉर्ड जिस टीम के लिए मैंने चार्ट लगाया कुलन टाइटस की, क्या आज वो जीत पाएगी या नहीं। और मून आज जो है वो मंगल के नक्षत्र पे गोचर कर रहा है, मंगल 9th हाउस, 10th हाउस का वो लॉर्ड, 10th हाउस में एंट्री है, जो भी टीम जीतेगी। तो मून ऑन हाउसेस से रिलेटेड है। तो बात करते हैं सबसे पहले टॉस की। टॉस जो है वो 9th हाउस से हम देखते हैं। सो 9th कस्पल सब लॉर्ड जो बना कुलन टाइटंस की तरफ, वो बना राहु। राहु 12th हाउस में है और राहु इस चार्ट में, क्योंकि कोई भी प्लेनेट राहु के नक्षत्र पे आजकल गोचर नहीं कर रहा, तो वो अनटेनेंटेड है और 9th हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना। गुरु का एस्पेक्ट राहु के ऊपर 5th हाउस में, राहु मून के साइन में, मून 7 में, 1st हाउस का वो लॉर्ड बना, 1st, 2nd, 7th हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना। राहु जो है वो आजकल स्टार जो है राहु का, वो गोचर कर रहा है गुरु के नक्षत्र पे, जुपिटर, जुपिटर 5th हाउस में। दूसरी तरफ 9th हाउस का जो कस्पल सब लॉर्ड बना वो गुरु बना। और गुरु देखिए 7 से 11th, और गुरु मरकरी के स्टार पे गोचर कर रहा है आजकल, और मरकरी 7 से 12th हुआ और डिग्रीकली मरकरी जो है वो सैटर्न के साथ है। और सेकंड, सो टॉस जो है आज के दिन मुझे लग रहा है कि कुंटा टाइटंस को जीतनी चाहिए। अब बात करते हैं मैच की। मैच के लिए हम 6th कस्पल सबलॉर्ड को देखते हैं। 6th कस्पल सबलॉर्ड इस तरफ जो बना वो सैटर्न,
जो कि सिक्स्थ में है, एट हाउस का वो लॉर्ड बना, सैटर्न वीनस के स्टार में, वीनस फाइव में, फोर और इलेवन, वहां उसकी राशि है लॉर्डशिप। सैटर्न चला गया राहु के सब में, जो कि ट्वेल्व हाउस में है, नाइन्थ हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना, एस्पेक्ट जो है वो गुरु की, जो कि फिफ्थ में है, रिप्रेजेंट कर रहा है वो मून को, जो कि सेवन में, एक में उसकी लॉर्डशिप है। तो फर्स्ट सेकंड और सेवंथ हाउस का वो कस्पल सब लॉर्ड बना। तो जो सैटर्न है वो हमें फोर फाइव सिक्स एट इलेवन एंड कनेक्टेड विद फर्स्ट सेकंड फाइव सेवन नाइन एंड ट्वेल्व। दूसरी तरफ भी कस्पल सब लॉर्ड जो सिक्स्थ हाउस का, वो सैटर्न ही बना। और सैटर्न चार्ट को रोटेट करने के बाद 12 सेकंड स्टार वीनस, 11 10 5 सब राहु, राहु 6 कस्पल सब लॉर्ड थर्ड, एस्पेक्ट जुपिटर, 11 रिप्रेजेंट मून फर्स्ट, 7 सेवन एट एंड फर्स्ट। तो सैटर्न जो है वो सिग्निफाई कर रहा है हमें सेकंड फाइव टेन इलेवन एंड ट्वेल्व एंड कनेक्टेड विद फर्स्ट थर्ड सिक्स सेवन एट एंड इलेवन। मतलब टॉस आज टाइटल्स को जीतनी चाहिए, मैच जो है राजशाही को जीतना चाहिए। स्कोर जो है वो मेरे हिसाब से 142 5 प्लस 5 माइनस, स्कोर 142 के आसपास रहने वाला है। 5 स्कोर ऊपर भी हो सकते हैं, 5 स्कोर नीचे भी हो सकते हैं। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, यदि अच्छा लगा हो तो ज्यादा से ज्यादा आप इसे शेयर कीजिए। कल एक नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।